हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम टेंस की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और टेंस ही सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। चाहे आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो टेंस होते हैं ना, एक हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह। अगर आपके पास टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप समझ लो कुछ नहीं आता। बिना टेंस के हमारी इंग्लिश बिल्कुल अधूरी रहती है। आइए हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे पहला ये टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि समझते हैं, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किसको हम मतलब कैसी पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पहचान होती है, देखिए इंग्लिश में हम इसको आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में इसको हम पहचान बोलते हैं। जिन वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो हमारे पास्ट का परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूले पर नजर मारते हैं कि किस तरीके से हम इस तरह के सेंटेंसों को बनाएंगे और किस तरीके से हम अच्छे से टेंसों को समझेंगे। आइए इनके फॉर्मूले पर नजर मारते हैं, किस तरीके से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे हम, किस तरीके से अच्छे से समझेंगे कि ये पास्ट का परफेक्ट है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका हम सूत्र होते हैं, इससे हम सेंटेंसों को बनाएंगे। सबसे पहले लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना आपको हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई अदर वर्ड जोड़ देना जो वाक्य के अंदर दिया होगा। और निगेटिव में क्या करना आपको, सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर नोट लगाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ये हो गया आपका निगेटिव के लिए। निगेटिव बोलते हैं जिस वाक्यों के लास्ट में नहीं आते, जिनके बीच में नहीं आती, मतलब जैसे मैं नहीं जा चुका था इत्यादि, भी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे अच्छे से। ये हो गया आपके पॉजिटिव के लिए, जैसे सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ब। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड। सबसे कमाल की बात तो ये है इस टेंस के अंदर कि हेड हमारा ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ हमारा हेड लग जाएगा, जिससे कि हमने पहले वाली टेंस में पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसके में हमारा हैज हैव था। इसमें कोई ये वाला फंडा नहीं है कि सिंगुलर के साथ हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा। इसमें हमारा सब ही, सी, नेम, इट, जितने भी लिखे होंगे सभी के साथ हेड आ जाएगा आपका। उसके बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोक दो और अदर वर्ड लगा दो, सेंटेंस आपका बनकर क्लियर हो जाएगा। जैसे समझते हैं, वह सो चुका था। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वह के लिख दिया ही, उसके बाद लगाएंगे हेड, हेड के बाद लगाना आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या, हमारी सोना, सोने को कहते हैं स्लिप, और स्लिप की थर्ड फॉर्म होगी स्लैब, ही हैड स्लैब। ठीक है, अगला वाला एग्जांपल देखते हैं, तुम खेल चुके थे। सबसे पहले लगाएंगे तुम के लिए यू, उसके बाद लगाएंगे हेड, और हेड के बाद चलेगा आपका खेलना, खेलने को कहते हैं इंग्लिश में प्ले, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, यू हैड प्लेड। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल बनाते हैं, मोहित खा चुका था। सबसे पहले लिखेंगे मोहित की स्पेलिंग, मोहित क्या नाम ही है एक हमारा, मोहित, उसके बाद लगा दिया हैड, उसके बाद खाने को कहते हैं इंग्लिश में ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, मोहित हैड ईटन। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है जैसे हमारा, मैं देख चुका था। तो सबसे पहले मैं के लिए लगेगा आपका आई, और आई के बाद लगाना तुरंत हमें हैड, हैड लगा दिया। अब देखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखने को बोलते हैं सी, और उसी की थर्ड फॉर्म होगी सी, क्या हो गया, आई हैड सीन, और सभी के साथ हमने लगाया हैड। और निगेटिव में भी हम बस क्या करना है, निगेटिव में बहुत कमाल की बात आपको ध्यान में रखनी है, निगेटिव बनाते समय अगर आपको नोट लगाना तो हमेशा तीसरे नंबर पर नोट लगेगा। जी हाँ, अगर आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमेशा तीसरे नंबर पर नोट लगाना, सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक है, आइए हम निगेटिव वाली स्लाइड पर नजर मारते हैं। आइए अब इसके निगेटिव वाले सेंटेंस पर नजर मारते हैं। निगेटिव वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और नोट लगना है इसमें निगेटिव, जिसमें नहीं है जाएगा तो उसमें नोट लगना, वही हमारा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर लास्ट में ठोक दो कोई अदर वर्ड जो सेंटेंस के अंदर आया हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल की मदद से इसको भी अच्छे से समझते हैं। जैसे वह नहीं सो चुका था, नहीं आ गया इसमें, पहचान कैसे पड़ेगी, पास्ट का परफेक्ट है, जिन बाकियों के लास्ट में चुका था पकड़ लिया, ये सब शब्द आते हैं वो पास्ट का परफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे वह नहीं सो चुका था, वह के लिए क्या आ गया ही के बाद लगाना तुरंत हेड, हेड के बाद लगाना नोट, इस पर फोकस देते फॉर्मूले पर, जो कुछ करवाना है आपको फॉर्मूला ही करवाएगा, आपको बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं चलना। उसके बाद लिखना नोट, नोट के तुरंत बाद लगाना बर्फ की थर्ड फॉर्म, खेल सोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में स्लिप, बस की थर्ड फॉर्म होगी स्लिप, ही हैड नोट स्लिप। ठीक है, अगला वाला एग्जाम्पल है, तुम नहीं खेल चुके थे। सबसे लिखना पहले तुम के लिए स्पेलिंग, तुम के लिए लिख दिया यू, उसके बाद लगाना हैड, हेड के बाद लगाना नोट, अब नोट के बाद लगाना खेलना, खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, ही हैड नोट प्लेड। ठीक है, अब लास्ट वाला एग्जांपल है,
मैं नहीं देख चुका था। तो सबसे पहले लिखना मैं के लिए आई लगा दिया, उसके बाद लगाना हेड, हेड के बाद लगाना नोट, नोट लिख दिया आपने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। देख लो कहते हैं सी, उसकी थर्ड फॉर्म होगी सी, आई हैड नोट सीन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, आपका एक लाइक हमारा हौसला कई गुना तक बढ़ा सकता है। और जब हम आप वीडियो को लाइक कर दो तो हमें ये लगता है कि आपकी वीडियो समझ में आ रही है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर देते तो ऐसा लगता है कि कई सामने वाले के समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।